भाई जहाँ सर्दी के मौसम में सब टोपी पहन के फिर रहे हैं, जैकेट पहन के पठान बन के फिर रहे हैं, इसी बीचों बीच जो है पठान मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है और इसका जो है हम रिव्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मूवी तकरीबन 70% मूवी तो मैं ट्रेलर में ही देख चुका हूँ। किस वजह से जो है लोग जाएं और थिएटर में जाके पूरी मूवी को देखें जबकि पूरे ट्रेलर में ही पूरी स्टोरी बता दी गई हो, क्योंकि एंडिंग भी पता चल गई है, स्टार्टिंग भी पता चल गई है और जो मिशन है वो भी पता चल गया। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इस मूवी को देखने के लिए लोग जाएं? क्योंकि यार मूवी में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऐसी थी जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि वॉर मूवी आपने देखी हो तो वॉर मूवी के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस जो थे वो इसमें दोबारा जो है यूज़ किए गए हैं। अगर आप दीपिका का जो है गेटअप देखें तो दीपिका का गेटअप देखने के बाद आपको सॉल्ट मूवी में एंजेलिना जूली की याद जरूर आएगी। मूवी का ट्रेलर ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस होना चाहिए, जिसमें कोई चीज़ जो है कुछ तो छुपाया जाए। जब पूरी की पूरी स्टोरी इन्होंने ट्रेलर में बता दी तो लोग क्या जाके देखेंगे थिएटर में? लोग सिर्फ SRK की वजह से जो है ये मूवी जाके थिएटर में देखेंगे, इसके अलावा कोई और वजह नहीं बनती। या फिर मूवी के एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न हो जो इन्होंने ट्रेलर में ना दिखाया हो, तो भाई ये चीज़ जो है इस मूवी को बचा सकती है। या सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते बाद जो है ये मूवी लगेगी। और 2013 के बाद से SRK की कोई भी मूवी जो है कामयाब नहीं हुई है तकरीबन 10 साल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है एवरेज रहेगी, क्योंकि इसमें जितने एक्शन सीक्वेंस है वो भी सारे जो है बाकी मूवी से कॉपी हैं और बाकी स्टोरी भी कुछ इसमें खास नहीं लगी। मुझे अगर किसी मूवी का इंतज़ार है तो वो SRK की डंकी मूवी का है, और उसकी भी वजह यह है कि वो डायरेक्टर जो है वो इतना अच्छा है जिसने 3 Idiots बनाई है, मुन्ना भाई MBBS बनाई है। इस मूवी में कुछ ऐसा खास होगा कि लोग उसको जो है देखने ज़रूर जाएंगे। तो उम्मीद है, देखते हैं, 2 हफ्ते ही रह गए हैं, अब देखते हैं ये मूवी कामयाब होती है या नाकाम होती है। लेकिन यह है कि बहुत कम चांस है कि ये मूवी अच्छी हो।